बात समझा रहे हैं। धुआं लग रहा है भाई, ये क्या हो रहा है रिस्पा? ओ रिस्पा, ये क्या हो रहा है? चल रहा है अभी, क्या होगा इसके बाद? लिट्टी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग का वेलकम है मेरे इस ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग है, आज हम लोग बना रहे हैं बिहार का ट्रेडिशनल डिश लिट्टी और चोखा। जो गोईठा पर का लिट्टी होता है वो गोईठा पर का लिट्टी बनेगा और चोखा नहीं है, साथ में चिकन है। तो देखिए आप लोग कैसे बनता है लिट्टी। और रेसिपी तो आप लोग ने बहुत सारा देखा ही होगा यूट्यूब पे, पर मैंने रेसिपी नहीं दिखाया है, सिर्फ हम लोग कैसे बना रहे हैं, कैसे हम लोग खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, यही सब है। देखिए यहाँ पे हमारी छोटकी भी लिट्टी भर रही है। इतने छोटे छोटे बच्चे अगर फैमिली के साथ हो ना, तो इसी तरह से छोटे से ही सारे चीज़ सीख जाते हैं बनाना करना। तो ये देखती है ना अपनी दादी मम्मी सबको कि हाँ कैसे बनाया जाता है, तो उसको भी ये होता है कि हाँ हम भी बनाएं। तो छोटा छोटा लोइया लेके वो भी उसमें सत्तू भर रही थी, इतने प्यार से भर के बना रही थी। तो इतना छोटा छोटा तीन चार बनाई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ पे हम लोग बैठ के भर रहे हैं लिट्टी। उसके बाद में लिट्टी गोईठा सुनगाया जाएगा, तो गोईठा पे लिट्टी रखा जाएगा। तो भैया वगैरह सब लोग हैं तो सबको ही मिल के करेंगे, गोईठा पर लिट्टी डालेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, अच्छा लगे तो इसे लाइक से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग में बढ़ते हैं। चिकन बन जाए, चिकन पकौड़ा बनेगा। अरे वाह, स्टार्टर्स भी है। वो मैडम भर रही है। ओ डन, कॉफी सबको दे रही है, पापा नहीं आ रहे हैं। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। और यहाँ चल रहा है स्टार्टर। तो थोड़ा सा स्टार्टर भी बना दी थी पायल की, यहाँ शाम को थोड़ा सा स्टार्टर भी खा लेते हैं। तो कॉफी था साथ में, स्टार्टर था, तो यहीं पे सब लोग बैठ के हम लोग बस स्टार्टर एंजॉय कर रहे हैं। तो चिकन पकौड़ा था, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनाई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था खा के। तो बस ये सब खाने के बाद ही, तब इसके बाद मेन कोर्स की तरफ हम लोग चला जाएगा। तो देख लीजिए आप चिकन और पकौड़ा, तो बहुत ही अच्छी छुट्टी बैठ के खा रही है। यहाँ पे पूछी है और सब लोग नहीं थे, सब लोग। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और साल का आखिरी दिन के इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग सुबह से क्या क्या हुआ है वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगे आप लोग चलिए ब्लॉग में बने रहिए, क्या क्या होता है देखिएगा। तो आज पिकनिक नहीं है, ऐसे घर में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि आधे लोग तो हम लोग के गए हुए हैं बाहर, कल से अभी आए नहीं हैं। तो सब लोग रहते तो शायद कुछ प्रोग्राम वगैरह होता, और सब कोई नहीं है तो अकेले अकेले अच्छा भी नहीं लगता है। तो देखते हैं चलिए, और कुछ भी आ गई है आज। गोलू है और टूनी लोग चला गया, लोग सुबह ही चला गया लोग नाश्ता वगैरह करके। और आज दुकू का बर्थडे भी था। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग देखिए क्या क्या होता है, और सुबह से सुबह क्या क्या किए वो सब भी आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, देखिएगा। ये क्या हो रहा है रिस्पा? ओ रिस्पा, ये क्या हो रहा है? चल रहा है अभी, क्या होगा इसके बाद? लिट्टी। ये भी रहेगा, जानते हैं वीडियो में कोई बोलने वाला चाहिए था ना आपसे, भूलवा। हाँ ये जलेगा थोड़ी देर बाद, उसके बाद पकेगा। इसमें पूरा धुआं।
ना उधर बैठे बन गई थी पथले बाड़ी दीदी ढेर पथले बाड़ी दीदी गोईठा पायल कल की एकदम गोईठा बमुनी हाँ ठीक बा पाथल जाई बोले तलक दीदी पाथ पुत के धो देली हाँ गोईठा मिलता है हाँ अरे गोईठा के बिजनेस करी ना बना बना के रखी पैकेट में धार के ले चल जाओ अंदर में झूला लगा अभी 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 क्या किया गया है लिट्टी को लिट्टी को हम लोग अंडरग्राउंड कर दिए अंडरग्राउंड अंडर गोईठा जिसको सांस लेना होगा अपना ले भीतर ले जा क्या करे बाबू मत खेलो ना मार जो को कोजा होय न तो कहीं दवा ले तेरा गोठवा फिर जिंदा होगल कि ना गोठा के आके इतना यार फिर अपने हिट में आ गए जाना बेटा अंदर देखो तो ठंडा लग रहा है ये पगली को देख लीजिए ठंडा में इसको ठंडा भी नहीं लग रहा है आसमान खुला नीचे डाला हाँ। मोजा भी नहीं पहनी है इधर से मत आना पैर जल जाएगा इधर बैठ तो छत पे तो अब निकल गया सीढ़ी का लिट्टी कितना दिन बोलते इच्छी छी गोबर में का बनाया खाता है लोग बहुत सन वीडियो स्टूडियो में नहीं देखे ला क्या मेरा सॉल नहीं ओढ़ना है तो क्यों रो रही थी उस समय मेरा सॉल ओढ़ने के लिए बोलो हाँ ये पहले बोल दो झाड़ के कढ़ाई में रखाई चलो चलो लिट्टी बन गया अब आगे सक्का जाएगा एगो कौन रो निकल गई सीढ़ी वाला निकल गया तीनों कढ़ा ओढ़ा नहीं किया कढ़ा में उठा के भीतर में लिख देगी तो लिट्टी बन के तैयार बहुत अच्छी तरह से लिट्टी बन गया था आग बहुत ही अच्छा पकड़ लिया था गोईठा का तो बहुत अच्छी तरह से पक गया था लिट्टी और यहाँ पे लिट्टी को लाके इसी तरह से झाड़ा जाता है
क्योंकि जो उसमें राख वगैरह लगा रहता है वो झड़ जाएगा। तो इसी तरह से कपड़े में अच्छी तरह से झाड़ के उसके बाद इसमें घी लगाया जाता है। तो यही पायल अंदर में ला के इसको झाड़ रही थी, तो ये भी अब आजकल एक्सपर्ट हो गई है एकदम लिट्टी बनाने में, क्योंकि बिट्टू को बहुत ही ज़्यादा गोइठापर का लिट्टी पसंद रहता है तो हमेशा बनाती रहती है। तो देखिए किस तरह से झाड़ रही है, इसी तरह से इसमें रख के झाड़ा जाता है। झाड़ के सारा इसमें का जो रख रहता है सब निकल जाता है। इसके बाद में इसको अच्छी तरह से घी लगा के इसके बाद में लोग खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम लोग चलते हैं खाने की ओर, क्योंकि अब रात भी हो चुका था, सोचे अब सब लोग बैठ के खा लेते हैं। तो यहाँ अभी सब लोग हम लोग बैठेंगे खाने के लिए, और आप लोग वीडियो देख के ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं की है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे बैठ के सबका हंसी मजाक भी चल रहा है, छुटकी के साथ इनका तो पटता नहीं है, तो वही दादा पोती का चल रहा है यहाँ पे, और हम लोग बैठेंगे सब कोई खाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग को जय श्री राम।